मोदी साहब हमेशा यही काम करते हैं और लोगों को बताने के लिए और भड़काने के लिए, ये हमारे मालदीव्स वाले हो या छोटे छोटे जो द्वीप्स है, आइलैंड्स है, वो किसी के अंडर में रहने दो, वो हम लोग ऐसे चीजों में सब नेबर्स एक होके काम करना चाहिए, नहीं तो बाहर के लोग आकर कब्जा करते हैं। और हम जब अपने नेबर है, नेबर के साथ ठीक ढंग से अपना बर्ताव होना चाहिए, और कोई हमारे सॉवरेंटी को धक्का दे रहा है, कोई अगर हमारी टेरिटरी में घुस रहा है, कोई अगर अपने जो हमारे सुरक्षा के लिए धक्का है, तो ऐसे लोगों को हम सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जो चीज बातों से बनती है और एक दूसरे के बातचीत से होती है, तो ऐसे में हम चुपी झगड़ा कर लेके एक दूसरे से लड़ने में कोई फायदा नहीं है। और अब हमारी जो इकोनॉमी है वो भी दुरुस्त नहीं है, दिखने के लिए दुरुस्त है, बाहर सब लोगों को बताते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में आज पैसा नहीं है जितना उन्होंने प्रॉमिस किया, जितना उन्होंने कहा उतना पैसा किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। बजट में जो उन्होंने कहा था वो बजट के अनुसार पैसे नहीं रखे गए, और आज 100 रुपए में 30 रुपए खर्च हुआ है आज के दिन में, तो आप 2 महीने में क्या खर्च करेंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट में जो बजट रखे उसका 30% भी अब खर्च नहीं हुआ, क्योंकि पैसे नहीं है। तो इसीलिए ऐसे वक्त हम लोग मिलजुल के हमारे टूरिज्म को भी धक्का नहीं होना, और दूसरे अगर हम पर हमला करते हैं वो तो हम सहेंगे नहीं, हम बराबर गवर्नमेंट को मदद करेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन फजूल चीजों में हाथ डाल के ये जो काम कर रहे हैं, मोदी साहब हमेशा यही काम करते हैं और लोगों को बताने के लिए और भड़काने के लिए और इमोशनल एक क्या बोलेंगे आप, इमोशनल एक फोबिया क्रिएट करने के लिए वो करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम अपने नेबर के साथ ठीक रहना चाहिए, अगर कोई गलती करता है तो बैठ के बातचीत से सुलझाना चाहिए।